जराइम के मामलात खास छोटे हों या बड़े बेशतर माशरों में इस वक्त कमोबेश हर जगह मौजूद हैं। हम लोग प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न या सोशल मीडिया के ज़रिए हर रोज़ जराइम की खबरें देखते हैं और लोग आमतौर पर किसी भी जुर्म के लिए पुलिस के पास जाते हैं जो मामले के मुतालिक जांच करती है। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक न पुलिस दाखिल हुई है और न ही गाँव वालों को कभी पुलिस के पास जाना पड़ा है। आसाम के नागांव जिला के ढिंग रेवेन्यू सर्किल के तहत सहरिया गांव में कभी किसी पुलिस अहलकार को दाखिल होते नहीं देखा गया है। 1998 में बोडो तबके के लोगों के जरिए आबाद किए गए इस गांव में कभी भी कोई जुर्म नहीं हुआ है, यानी इलाके में कत्ल, आबरूरेजी, तशद्दुद या डकैती की कोई वारदात नहीं हुई है। मैं पिछले 2 साल और 2 महीनों से यहाँ तैनात हूँ, लेकिन मैंने कभी सहरिया गांव के लोगों को किसी वजह से थाने में आते नहीं देखा। हमने कभी सहरिया गांव के लोगों के लिए मुकदमा दर्ज नहीं किया। नागांव शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर और ढिंग से 1.5 किलोमीटर फासले पर यह गांव वाकई है। इस गांव के लोग बुनियादी तौर पर ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गाँव के लोग किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना भी नहीं जानते हैं। ये गांव लोगों में फिरकावाराना हम आहंगी और इत्तेहाद की मिसाल पेश करता है। गांव के लोग गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमन और हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर गांव में कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो गांव के लोग आपस में बात करते हैं और इसे हल कर लेते हैं। हम कभी किसी थाने या किसी अदालत में नहीं गए। हमें ये तक नहीं मालूम कि पुलिस का क्या किरदार है। सहरिया गांव में 170 कुंबे आबाद हैं और इस गांव की आबादी तकरीबन 600 है। मुख्तलिफ कामों के लिए गाँव की एक इंतजामी कमेटी है। गांव के तमाम कुंबे मुख्तलिफ सकाफती त्यौहार मनाते हैं, जैसे बगारम्बा, बीहू, उरुका, बीथू पूजा और दीगर तमाम ज़रात से वाबस्ता सरगर्मियां और रसूमात का इनाकाद गांव में किया जाता है। मुकामी बाशिंदे ज़रात में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर गांव की इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई थी और उनके मशवरे के मुताबिक इंतजामी कमेटी काम करती है। अगर कुछ परेशानी होती है तो गांव की इंतजामी कमेटी एक दूसरे से बात करती है और मसाइल को हल करने के लिए इकदाम करती है। ऐसे वक्त में जब रियासत भर में जराइम में इजाफा हो रहा है, ये एक रिकॉर्ड है कि पुलिस को आसाम के इस छोटे से गांव सहरिया में कदम नहीं रखना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।